नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में पेयजल की किल्लत हो गई है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पिछले एक वर्ष से जल शक्ति विभाग द्वारा उठाऊ पेयजल योजना बंद है, जिससे यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों से हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु चूड़धार पहुंच रहे हैं। चूड़ेश्वर सेवा समिति के प्रबंधक बाबूराम शर्मा ने बताया कि चूड़धार के लिए चूड़धार खड्ड से बनी लिफ्ट एक वर्ष से बंद है, इसके चलते यहां पर पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग को कई बार अवगत किया जा चुका है, मगर विभाग हमेशा आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चूड़धार में 3 स्टोर टेंट बने हुए हैं, वह भी इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मगर इसकी मुरम्मत भी विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। पानी की तो ये कुछ दिनों से 4-5 दिनों से भयंकर समस्या आ रही है कि जब से ये बारिश बंद हुई तब से पानी की बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि ये जो लिफ्ट का पानी है यहाँ पे वो इस साल की बात करें हमको इस साल लिफ्ट चली हुई है, और हमने विभाग को इस बारे में कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन आज का कल अरकल का प्रश्न बस ये ऐसा ही बोला जा रहा है। लेकिन और टैंक यहाँ पे जितने भी टैंक है, ये एक टैंक यह है, 2-3 टैंक ऊपर को है, ये सारे लीकेज है, और हमने पिछले साल भी विभाग को इस बारे में अवगत करा रखा था कि ये सारे टैंक लीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछले कल भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, सेकंड सैटरडे था, शनिवार का दिन था, नवरात्रि भी चले गए, तो लोगों को बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बस सब ऐसे ही इधर उधर से बावड़ी के जल से ऐसी व्यवस्था हो रही है, पर मेन बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को चूड़धार में। श्रद्धालुओं के लिए बने शौचालय पानी की किल्लत से बेकार साबित हो रहे हैं और लोगों को मजबूरन खुले में शौच जाना पड़ रहा है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज़।